हेलो फ्रेंड्स अ ग्रीट वेलकम टू माय चैनल आज हम करेंगे कमला मारकंडे की लिखी हुई एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी द फ्लड एक्चुअली दिस इज नॉट अ सेपरेट स्टोरी शी वाज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी राइटर दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर नोवेल किस नोवेल का ये पार्ट है और इस पर्टिकुलर पार्ट में ऐसा क्या है जो इसको खास बनाता है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जितने भी लिटरेचर के टॉपिक्स हैं पोइट्री शॉर्ट स्टोरी प्ले नोवेल ऐसे इन सब के पर्टिकुलर टॉपिक्स के जो जीएसएससी सीजीएल का पार्ट है जितना सिलेबस उन सब की वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे जो वीडियोस अभी, अभी अवेलेबल नहीं है आपके एग्जाम्स तक फॉर श्योर अवेलेबल हो जाएंगे डेली वीडियोस ऐड किए जा रहे हैं अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो वन डे वी अपलोड दी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो फॉर एग्जांपल जैसे कि आज हम शॉर्ट स्टोरी फ्लड करें तो लेटर इन टूडेज इवनिंग और टमोरो मॉर्निंग इट विल बी दी रिलेटेड एम ऑफ द सेम टॉपिक सो 70% परसेंट टॉपिक्स को ऐड किया जा चुका है इन प्लेलिस्ट्स को रेफर करिए और अपनी प्रिपरेशन्स शुरू करिए मैं आपको कमला मारकंडे और इस स्टोरी के बारे में तो बताऊंगी ही साथ ही साथ बताती रहूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं तो पेन पेपर लेकर बैठिए सब कुछ नोट करते चलिए और अपने इन्हीं नोट्स को रेफर करिए बाद में एग्जाम्स के लिए इट विल बी सिंपल द बर्थ ईयर डेथ ईयर सबसे पहले तो बर्थ ईयर पता होना चाहिए डेथ ईयर पता होना चाहिए किसी भी राइटर का अगर कोई भी राइटर कोई पेन नेम यूज करता था या करती थी तो वो भी पता होना चाहिए यहाँ देखिए इस लाइन को कमला मार्कंडे वोस दी पेन नेम ऑफ कमला पुरानिया कमला टेलर भी आप कह सकते हैं अ ब्रिटिश इंडियन नवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट तो इनका पेन नेम क्या था या फिर इनका रियल नेम क्या था दैट कैन बी ए क्वेश्चन कमला Markandeya गॉट married टू बोट टेलर ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कौन से ईयर में उनकी शादी हुई ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको और इंडिया के अलावा उनको कहाँ की नेशनैलिटी मिली कैसी कहाँ की सिटीजन बनी वो ब्रिटिश सिटीजन आदर दिन बींग इंडियन नोवलिस्ट तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर नोट करिए और इन्ही पॉइंट्स को रेफर करिए अपने एग्जाम्स में आपको देखिए किसी भी टॉपिक में लिटरेचर के स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक में हमेशा टेक्स्ट का नाम उसके राइटर का नाम राइटर का बर्थ ईयर डेथ ईयर और टेक्स्ट का पब्लिश ईयर ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रट लेनी है बहुत ही अच्छे से इसके अलावा जो सेकेंडरी है दैट इज नॉवल की सेटिंग कहाँ की है नॉवल के टाइम पीरियड की सेटिंग कहाँ की है वो याद रखना चाहिए आपको नॉवल इज सेट इन इंडिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन जब गांव छोटे छोटे गांव शहरों में तब्दील हो रहे थे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी डेवलपमेंट हो रही थी अर्बनाइजेशन हो रहा था फैक्ट्रीज आ रही थी इंडस्ट्रीज आ रही थी उस टाइम पीरियड की ये स्टोरी है और सेंट्रल कैरेक्टर है रुक्मणी जो इस स्टोरी को नारित भी करती हैं और उनकी शादी होती है नाथन नाम के एक पर्सन से जो कि एक टेनेंट फार्मर है टेनेंट फार्मर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी और के खेतों पर काम करता है उस खेत के लिए रेंट देकर

इंडिया में दैट हैज बीन शोन थ्रू दईज ऑफ नुक्मिनी रुक्मिनी और नाथन इन दो कैरेक्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं पहले नेक्टर एंड सी पूरे नॉवेल को थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद हम फ्लड वाले पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज दैट इज दॉपिक दैट इज इन योर सिलेबस ऑफ जे एस एस सी सीजीएल रुक्मिनी बिगिन लाइफ विद हजब नाथन रुक्मिनी ऑनली ट्वेल्व इस ओल्ड जब उनकी शादी हुई तब वो सिर्फ 12 साल की थी तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है शी स्ट्रगल्स टू एडजस्ट टू मैरिड लाइफ बट हर राइस फार्मर हस्बैंड रिमेन्स वेरी मच पेशेंट एंड प्रूव टू बी अ लविंग पर्सन तो उन्होंने कोशिश की कि एडजस्ट हो जाए पता नहीं हस्बैंड किस तरीके के होंगे लेकिन उनके हस्बैंड प्रूव टू बी अ वेरी लविंग एंड पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन हस्बैंड के साथ एडजस्ट होने में उनको कोई परेशानी नहीं हुई लेकिन लाइफ के साथ एडजस्ट होने में हुई रुक्मिणी गिव्स बोथ टू द फर्स्ट चाइल्ड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड इरावती इरावती रिवर भी है एक साउथ में उसी रिवर पर इनकी फर्स्ट डॉटर का नाम रखा गया था ऑल अब तो सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो रही है गर्ल चाइल्ड को लेके लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था कि हर कोई पेरेंट डिसलाइक करता था गर्ल चाइल्ड को लेकिन ऐसा मेजर फैमिलीज में होता था, था कि ठीक है गर्ल चाइल्ड को तो वेलकम किया गया लेकिन उन लड़की की चाह कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बनी रहती है अबाउट आफ्टर द मैरिज बट फॉर सिक्स लॉन्ग शी फेल्स टू कंसीव अनदर चाइल्ड तो इरावती वॉज बोर्न विद इन द मैरिज बट सिक्स लॉन्ग ईयरस उसके बाद के छह साल तक कोई बेबी नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया कि जनरली सभी पेरेंट्स को एटलीस्ट उस जमाने में एक चाहत होती थी कि बेटी है तो बेटा भी जरूर पैदा हो अब रुकमणी एक डॉक्टर के पास जाती है वेस्टर्न डॉक्टर जिनका नाम है कैनिंगटन और यू कैन से कैनी कैनी कहकर ही रेफर किया गया नॉवल में जो कि ट्रीटमेंट करती हैं रुकमणी का और उसके बाद चार साल में चार बेटे पैदा हो जाते हैं तो सिर्फ ये चार बॉयज ही नहीं इनके बाद और भी बॉयज पैदा होते हैं सबके नाम आप देख लीजिए इरावती तो उनकी डॉटर धार्वी नो उसके बाद के बच्चों के नाम है अर्जुन थम्बी मुरुगन राजा सेल्वम एंड कुट्टी तो टोटल कितने बच्चे क्वेश्चन आए तो आंसर शुड बी सेवन बॉयज कितने थे आंसर शुड बी सिक्स ओल्डेस्ट कौन है यंगेस्ट कौन है यंगेस्ट बॉय इज कुट्टी एंड ओल्डेस्ट बॉय इज अर्जुन डॉटर का नाम इरावती ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे इसके साथ ही साथ एक बार सभी कैरेक्टर्स को जान लेते हैं रुक्मनी नो टेनेंट फार्मर जो कि बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर हूं मिनिस्टर्स रुक्मनीस हेल्थ एंड गिव सर दी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और डॉक्टर इरावदी वी नो और उसके बाद ये सब सन्स के नाम एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है सेक्राबानी सेक्राबानी इज दी सन ऑफ इरावती लेटर ऑन जब नोवेल में एक लीप है इरावती एक्चुअली हेज टू प्रैक्टिस प्रोस्टिट्यूट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड दिस सन सेक्राबानी इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोस्टिट्यूशन। इरावती की शादी भी बहुत ही जल्दी करवा दी जाती है गांव में इसी तरीके के रिवाज होते थे और कई प्लेसेस तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज होती है इरावती इज फोर्टीन वेंशी गेट्स मैरिडर सो रुकमनी की शादी हुई थी 12 साल की एज में और इरावती की शादी हो गई है याद रखने हैं, दोनों एज फैक्ट्स लेकिन इरावती की शादी के बाद ही हमारी ये फ्लड इंसिडेंट या फ्लड स्टोरी की शुरुआत होती है मॉनसून रेन डैमेज द्रॉपर दे प्लान अ गुड मारेज फॉर इरा रुक्मनी स्पेंट सेइड मील्स फॉर हर फैमिली बिकॉज इरा इज इनफर्टाइल हर हस्बैंड रिटर्न हर टू पेरेंट्स होम ये सारे इंसिडेंट्स बड़ी ही जल्दी हो जाते हैं यानी कि फैमिली का डूम पीरियड शुरू हो चुका है इरावती की शादी होती है फ्लड आ जाता है और इरावती कैनॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड शी इज़ इनफर्टाइल तो उसके हस्बैंड जो हैं वो उन्हें अपने पेरेंट्स के यहाँ पर छोड़ चले जाते हैं अब रुकमणि का काम है कि फिर से उसी डॉक्टर की हेल्प लेना जिसके लिए जिससे खुद के लिए हेल्प ली थी रुकमनी नाउ कम्स टू कैनी अगेन कैनी के पास आती हैं दोबारा दिस टाइम विदाउट हर हस्बैंड नॉलेज टू हेल्प इरा कंसीव अब वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल ही छुपा कर आती हैं और चाहती हैं कि इरा कंसीव कर ले। लेकिन इरा कैसे कंसीव करेंगी हस्बैंड के साथ तो रहती नहीं है हिस थेरेपीज हाउ एवर आर टू लेट बिकॉज इराज हस्बैंड हैज moved on to another women rukmini becomes pregnant again however ironically you can say or uh, this can be called a situational irony ki apni daughter ki infertility ka ilaaj karwane aayi thi and she becomes pregnant and this time she gives birth to the youngest son kutti कुटी के पैदा होने के बाद Ira की life में तो कम से कम एक purpose आ गया है ये भी आपको एक question आ सकता है कि किस को इरा ने अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया था कुटी की देखभाल करने को और कुटी की देखभाल किसने की थी ये भी क्वेश्चन हो सकता है इरा इरा तो की लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस आ गई है लेकिन फैमिली अभी भी बहुत हंग्री है स्टाविंग के दिन आए हैं उनको अपना बहुत कुछ बेचना पड़ता है जिससे कि लैंड ऑनर को कम से कम हाफ रेंट तो वो लोग पे कर पाए इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि

कोई भी किसी भी तरीके की नई इंडस्ट्री आती है तो एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं यही यहां पर भी हुआ ना सिर्फ फैक्ट्री के और गांव के एनवायरमेंट और इकोनॉमी में चेंजेस आए लेकिन लोगों में आपस में रिलेशनशिप्स में भी चेंजेस आए क्योंकि कुछ लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फेवर में हैं और कुछ लोग उसके लोगों को काम मिलेगा लेकिन रुक्मनी जैसे लोग जो हैं वो टेनरी की वजह से ऑफकोर्स टेनरी आएगी तो फेल्दीनेस जरूर आएगी गंदगी बदबू ये सब चीजें जरूर आएंगी लेकिन वो एक इंडस्ट्री भी है तो कमर्शियलिज्म के और के अगेंस्ट है रुकमणी वहीं पर उनके जो एक नेबर है कुंती वो काफी खुश हैं क्योंकि टेनरी आने से सभी लोगों को काम मिलेगा काफी हेल्पफुल पूरी फैमिली के लिए कैनी सिक्योर सर्वेंट्स पोजीशन इन द सिटी फॉर रुक्मीज थर्ड सन मुरुगन। रुक्मिनी के बेटे मुरुगन के लिए वो एक पोजिशन सिक्योर करते हैं इन द मीन वाइल फोर्थ सन राजा किल्ड स्टीलिंग फ्रॉम टेनरी से कुछ चुराते हुए वो पकड़े जाते हैं और उनको मार दिया जाता है कुटी कुटी सफर्स द मोस्ट फ्रॉम हांगर छोटा बच्चा है इवन प्रोस्टिट्यूशन भी प्रैक्टिस करती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लेकिन इट इज नॉट इनफ डिस्पाइट हर एफर्ट्स कुटी डाइज विच ऑफ दन डाइज दैट कैन बी ए क्वेश्चन डाइज बिकॉज ऑफ स्टावेशन मैंने आपको बताया कि डॉक्टर केनिंगटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल है पूरे नैरेटिव में ने रुकमनी रिजाइंड अप्रोच टू वर्ड एडवर्सिटी इमे कैसे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं जब इन्हें पता है कि थोड़े दिन बाद हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा ही फील्स कॉम्पिशन फॉर हर आम असिस्ट हर वेवर पॉसिबल रुकमनी इवेंचुअली रिटर्न टू लिव विद हर विदेस्ट सर्वाइविंग सर सन सेल्वन रुक्मिणी अपने सबसे छोटे बेटे के पास भी जाती है who is now a doctor in the hospital kenny has created so by the end जब कुछ भी नहीं बचता है पूरी फैमिली के पास तब रुक्मिणी को अपने एक सन का ध्यान आता है जो कि as a doctor training दे रहा था डॉक्टर कैनिंगटन की ही हेल्प से एंड नाउ ही इज अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल kenny has created <coughs> रुक्मनी को काफी डिफिकल्टीज आती हैं बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ शो की गई है थ्रू आउट विद नो इंडिकेशन दैट हर विल इम्प्रूव कहीं भी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई गई है बाई द राइटर एवरी टाइम हर सिचुएशन पर्सन शी क्वाइटली होपिंग दैट थिंग्स वुड इम्प्रूव वेरी सुन बहुत ही पेशेंट कैरेक्टर दिखाई गई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए शी नोज दैट इट विल इम्प्रूव वेरी सुन एक बार नावल की बिगिनिंग और एंड देख लेते हैं इससे हमें बहुत अच्छे से नावल समझ में आ जाएगा और उसके बाद करेंगे अपना टॉपिक फ्लड लेकिन नावल को अच्छे से समझिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फ्लड पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे आपको पूरे नॉवल में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं नॉवल को हम अलग से डिटेल में भी करेंगे आज फ्लड पार्ट पर हमारा बेसिक कॉन्सेंट्रेशन होगा और इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए क्योंकि फ्लड पार्ट को समझने के लिए पूरे नावल का एक इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है नॉवल की शुरुआत 1930s में होती है रुक्मिणी नरेटर है की शादी होती है नाथन के साथ दिस द बाय एंड आपने सारा स्ट्रगल तो देखा ही है नाथन और रुक्मिणी शहर चले जाते हैं काम करने के लिए बोथ आर ट्राइंग टू वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे अपनी कैपेसिटी अपनी एज के हिसाब से काम ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं वन डे नाथन कोलेप्सिस ऑन द स्ट्रीट ऑन हिस्स वे बैक फ्रॉम दी क्वारी एक क्वारी में पत्थर तोड़ने का काम मिलता है इनको वोकर्स ट्रांसपोर्ट इन बैक टू तो दी टेम्पल वे ही डाइज शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स रुक्मणी पूरी कोशिश करती है कि जितना भी उन्होंने सेव किया है उसकी हेल्प से अपने विलेज में आ जाए वापस और वो आ भी जाती है जहां पर की इरावी और सेल्वम उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं अब हम फ्लड पार्ट को करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें एम भी होंगे राइट right, तो बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए नोट पैड जरूर ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है अब आपको सभी पॉइंट्स नोट करना कंपलसरी है तो देखते हैं फैमिली ने क्या किया शादी के लिए बहुत प्लानिंग हो गई लेकिन घर को वेदर प्रूफ करने के लिए या फिर जितनी फसल उग चुकी थी उसको एक एटलीस्ट सेफ प्लेस पर स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया सो so, नेचर रुकमनी खुद ही कहती हैं कि नेचर बहुत ही बुरा है नेचर अकॉर्डिंग टू तो रुकमणि इज़ लाइक अ सेविज एनिमल कोई शिकारी एनिमल के जैसा है जो कि अटैक करता है जबकि आप अनप्रपेर्ड होते हैं लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अनप्रिपेयर्ड होते ही क्यों हैं जबकि हर साल आप उसी तरीके की सिचुएशंस फेस करते हैं बारिशों के मौसम में तो क्यों अनप्रपेयर्ड रहते हैं एक तरीके से ये पूरा नॉवल जो है ना क्वेश्चन भी रेज करता है और एक सीख देता है कि क्या क्या आपको एडवांस में कर लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए एरॉनिकली रेन अराइव अर्लियर आर विद ग्रेटर फेरोसिटी देन यूजल बहुत ही आक्रामक रही इस बार की रेन फैमिली के लिए नॉर्मल अपनी यूजल रूटीन से भी ज्यादा रेन तो होती ही चली जा रही थी एक बार शुरू हुई तो रुकती ही नहीं थी एंड से बने थे एक थी कि घर जो था से हाई पर बना हुआ था जहां पर बारिश का पानी टिकता नहीं था इस वजह से एटलीस्ट घर बच गया द फैमिली ट्राइज टू मेक डू विद समिफ्ट फायर वुड फ्रॉम इराज वेडिंग आस की सीलन हटाने के लिए फैमिली ने फायरवुड इस्तेमाल करने का भी पूरा प्रयास किया पूरी कोशिश की लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी तो नहीं थी रेन तो बढ़ती ही चली जा रही थी कम होने के बजाय जितने भी पेडी फील्ड्स थे सब में फ्लड आ चुकी थी पूरी हार्वेस्ट डेवस्टेटेड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी नाथन जस्ट स्टेट्स दैट दे विल बी मिनिमल ईटिंग दिस ईयर इस साल सबको थोड़ा कम खाना पड़ेगा दे वॉज ऑलरेडी अस्कासिटी ऑफ फूड फूड की पहले ही थोड़ी कमी थी और जब बच्चों को पता चलता है कि अब और कम खाना पड़ेगा तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं दिस इज वेरी नेचुरल अब देखते हैं विलेज में और क्या क्या डैमेज हुआ था बहुत सारे और नेबर्स भी थे जो कि मारे जा चुके थे उनके एक नेबर काली की तो कॉटेज पूरे तरीके से डिमोलिश हो चुकी थी आपको मे भी ये फैक्ट आ जाए एग्जाम में काली इवन विजिट्स रुकूज हाउस टू रिक्वेस्ट सम कोकोनट पाम सो दैट सो दैट शी कैन थेच हर हाउस वंस मोर तो काली आते हैं रुक्मिनी के घर की कोकोनट की कुछ लीव से मिल जाएँ कि घर दोबारा क्रिएट किया जा सके रुक्मिनी कांट हेल्प सिंस वॉट इज लेफ्ट ऑफ दी बर्न कोकोनट ट्री कोकोनट ट्री भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बारिश की वजह से और कोकोनट uh, ट्रीज में भी आग भी लग चुकी थी बिजली कड़कने की वजह से तो रुकमनी नहीं दे पाती है क्योंकि बचे खुचे से उन्हें भी अपने हाउस को रिपेयर करना है नाथन अब कोशिश करते हैं घर में देखने की कि कितने पैसे हैं और क्या क्या अब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाथन द बंडल ऑफ मनी बारी ग्रेनरी एंड रुकमनी रिकॉल्स हाउ हेवी इट वॉज एट डे ऑफ दिय वेडिंग कि ये जो बंडल ऑफ मनी था ये तो बड़ा हेवी था हमारी शादी के दिन और अब हल्का हो गया इट इज नाउ अ स्मॉल पैकेज वर्थ ओनली ट्वेल्व रुपीज उस पैकेज में कितने पैसे थे ये इक्वेशन हो सकता है दे इंटेंड टू स्पेंड नो मोर देन टू रुपीज ऑन रिपेयर रिपेयर तो करवाएंगे लेकिन दो रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट डे नाथन और रुकमणी दोनों हस्बैंड वाइफ एक राइस डीलर के पास जाते हैं जिसका नाम है हनुमान राइस डीलर का नाम क्या था दैट कैन बी ए क्वेश्चन अटेम्प टू नेगोशियट अ रीजनेबल प्राइस फॉर दी राइस खाने की बहुत ज्यादा कमी है एवरी वन इज लुकिंग फॉर की घर में एटलीस्ट थोड़ा सा राइस आ जाए दे टू प्रीशियस रुपीज दो रुपए वो स्पेंड करना चाहते हैं मस्ट बी स्पेंड ऑन जस्ट टू पाउंड ऑफ राइस तो राइस जितना बेस्ट पॉसिबल वे में वो राइस खरीद सकते थे वो खरीद कर अपने घर लाते हैं कितनी सारी समस्याएं सिर्फ बारह रुपए हाथ में उसमें से भी दो रुपए आप खर्च करने को तैयार हो पूरा पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है थोड़ा सा ही राइस है घर में और इसके बावजूद रुकमणी एक अच्छी पीसफुल नींद में चली जाती वेन दे ईट इट इज that सरप्राइजिंग फीलिंग दैट दे for नाउ यही शायद सीख देने की कोशिश की है कि आज खाने को है तो इतना खुशमत हो जाओ थोड़ी सी प्रेपरेशन कल के लिए भी रखो रुकमणि ड्रीम्स ऑफ वट देर फूड स्टोर्स एंड दू वेटेबल्स इन हमारी इस स्टोरी की थीम्स क्या क्या है थीम है पॉवर्टी एंड एडवर्सिटी किस तरीके से पुअर्स की लाइफ होती है क्या क्या एडवर्सिटीज क्या क्या नेगेटिव सिचुएशंस उनकी लाइफ में आती हैं जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ स्टोरी कहीं ना कहीं सीख देती है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कल के लिए भी रखो ऐसा नहीं है कि आज जीना बंद कर दो लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि जो आज है हो सकता है उतना कल ना हो तो थोड़ा सा अपने कल के बारे में भी रखिए स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंडियन टाउन एंड डिपेक्ट द डेली स्ट्रगल्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड कॉन्फ्रंट सेवरल चेंजेस सच एज एसावेशन डिसीज एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड Weather changes, weather किस तरीके से उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय और अफेक्ट करते हैं जे एस एस सी सी जी एल के लिए दैट विल बी रिलेटेड टू दी क्यूज ऑफ द सेम टॉपिक दैट वी है फ्लड तो देखते रहिए ये चैनल प्लीज डू नॉट फॉगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज प्रोवाइड यूर वैल्यूएबल फीडबैक इन कॉमेंट सभी टॉपिक्स के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी इन प्लेलिस्ट से और बाद में हम लोग एक डिटेल एमसीक्यू सेशन भी कंडक्ट करेंगे तो कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप मेकिंग योर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड आई वांट की आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाए